बसमिलीम असल फ्रेंड्स आई एम फराफ़ फ्राम आउट स्टैंडिंग नर्सिस स्टडी वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट टर्म्स विच वी पीपल यूज़ इन एपीडिम्योलॉजी लाइक पेंडेमिक एंडेमिक एपिडेमिक रेडिकेशन एलिमिनेशन ऑफ डिजीज सो आपको पता है कि मैं जो भी लेक्चर्स मेरे होते हैं वो मोस्टली डिपेंड कर रहे होते हैं ऐसे टॉपिक्स पे जो के आप के कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं इम्पोर्टेंट इन देंस ऑफ कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ये कि आपके मुख्तु जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं आपके वाइवास होते हैं तो आपके एंटी टेस्ट होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं और इन सबसे ज्यादा ये कि ऐसे क्वेश्चंस के जो इनकी अंडरस्टैंडिंग बीइंग बीग नर्स हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए ऐसे पॉइंट्स जो कि जो हमें कंफ्यूज करते हैं मोस्टली जगहों पे, जैसे पेंडेमिक क्या है एंडेमिक और एपिडेमिक में डिफरेंस क्या है प्राइमोडियल प्रिवेंशन क्या है और प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है ठीक है तो इस तरह के पॉइंट्स के जो हमें पता होने चाहिए हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए क्योंकि जब हम एपिडम्योलॉजी पढ़ रहे हैं स्पोज के मैं सिर्फ उसकी बात करूंगी तो इसमें यह है कि हमारी मुख्तफ़ टर्म्स हैं जो हमारी थ्रू आउट था सिलेबस जो है वो चलेंगी थ्रू आउट द एपिडमोलॉजी स्टडी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हमारी ये टर्म्स चलेंगी जिनकी अंडरस्टैंडिंग हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए ठीक है तो इसलिए आज मेरा से, जो ये लेक्चर है ये है लेवल ऑफ़ प्रिवेंशन पे जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इनशाला बहुत अच्छे तरीके से हम आज इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे राइट ओके आ, फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें आ, ताकि नेक्स्ट मेरे आने वाले लेक्चर्स जो हैं वो आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें जी तो हम स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन प्रिवेंशन जो है वो बेसिकली इसकी फ़ोर टाइप्स हैं इसको प्राय टू डिस्कस दीज फोर टाइप्स मैं आपको ये बताना चाहूँगी प्रिवेंशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है बेसिकली प्रिवेंशन जो है वो जब हम प्रिवेंशन पे आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है नेशनली एंड इंटरनेशनली भी ठीक है क्योंकि जब हम प्रिवेंशन पे हम स्ट्रेस देंगे प्रिवेंशन को हम फोकस करते हैं तो हमारी प्रिवेंशन जो बेसिकली ये होती है कि हमने हेल्थ को मेंटेन करना है हेल्थ को प्रोमोट करना है डिजीज़ को प्रिवेंशन देनी है करना है बजाय इसके कि हमारी एक फुल फ्लैज डिजीज़ हो जाए और डिजीज़ होने के बाद फिर ये है कि हमारे पास हमारे पर्सन जो हैं वो डिपेंडेंट हो जाए दूसरों पर और अगर एक पर्सन को डिजीज़ होती है तो वो अपनी कम्युनिटी में दूसरों को भी उसको मतलब देता है मीन्स के प्राइमरी अटैक होता है जिन पर्सनस को वो सेकेंडरी अटैक भी होता है दूसरे लोगों को ठीक है तो कम्युनिटी के बाकी लोग भी एक्सपोज हो जाते हैं वो डिजीज़ उस डिजीज़ के लिए ठीक है तो हम जब प्रिवेंशन पे हम स्ट्रेस देंगे या इसको हम फोकस करेंगे तो क्या होगा कि एक तो हमारा रेट ऑफ डिजीज़ जो है वो कम हो जाएगा कम्युनिकेबल डिज़ीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ दोनों के लिए हम प्रिवेंशन यूज़ करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों डिजीजेज जैसे कि हम कहते हैं डायबिटीज स्मोकिंग हम कहते हैं और उसके बाद कार्डियोवास्कुलर डिजीज हैं जो कि नॉन नॉन कम्युनिकेबल हैं ठीक है उनके लिए भी हम प्रिवेंशन देते हैं ये फोर लेवल जो उसमें भी हम यूज़ करेंगे और हमारी कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं ठीक है जैसे आजकल कोविड नाइन्टीन है इसके अलावा डेंगू फीवर हो गया इसके होपिंग हका ये हमारे स्मार पॉक्स जो हमारे सारी सिक्स डिजीज के अगेंस्ट हम वैक्सीनेशन करते हैं ना तो कम्युनिकेबल डिजीज़ भी ठीक है जो एक दूसरे से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लग सकती है तो अब क्या है कि हमने ये प्रिवेंशन का मकसद ये होता है कि हम एक तो डिज़ीज़ को स्प्रेड होने से बचाएं एक दूसरा के हम डिज़ीज़ का बर्डन कम करें उसका रेट कम करें और इसका रेट कम करने से क्या होगा कि हमारे फैमिली पे हमारी कम्युनिटी पे हमारी आ, कंट्री पे हमारी कंट्री पे जो उसका बर्डन है वो कम हो जाएगा हमारा फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाएगा ठीक है और दूसरे जब पर्सन जब अगर कोई डिजीज होता है तो वो डिसेबल होगा डिपेंडेंट होगा दूसरों पे अपनी जॉब वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकेगा तो कंट्री पे डबल जो है वो बर्डन आ जाता है एक ये कि उस पर्सन की फैमिली पे भी डबल आ जाता है ये कि फैमिली या वो कंट्री जो है एक तो उस पर्सन की जो है डिजीज़ पे उसने अपना सारा फाइनेंस जो है वो सारा उसे लगाना पड़ेगा दूसरा ये कि उसकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट उस पर्टिकुलर पर्सन से आ रही थी वो भी खत्म हो गई है ठीक है तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम प्रीवेंशन पे आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं ताकि हमारी पॉपुलेशन जो है उसमें डिजीज़ का इंसिडेंट उसका प्रवलमेंट वगैरह बहुत कम रहे चलिए जी तो देखते हैं अब हम के लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है बेसिकली देर आर फोर लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ प्राइम मॉडियल प्रीवेंशन सेकेंड वन इज़ प्राइमरी एंड थर्ड वन इज सेकेंडरी एंड फोर्थ इज़ टर्शरी ठीक है तो इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है प्राइम मोडियल और प्राइमरी जो है उसमें क्या डिफरेंस है तो प्राइमरी और प्राइम मोडियल को पूछा भी जाता है मोस्टली कि प्राइम मोडियल क्या होती है और प्राइमरी क्या होती है तो फ्रेंड्स आप ये याद रखें कि जो प्रा, प्राइम प्राइम मोडियल है ना उसमें यह है कि अभी डिजीज़ आपको हुई नहीं है और ना ही डिजीज़ का रिस्क फैक्टर है सपोज़ कि हमारे जो लोग हैं जिनको अभी टीन एजर्स कह लें आप यंग लोग कह रहे हैं जिनको भी हार्ट डिजीज का कोई रिस्क नहीं है लेकिन हम उनको फिर भी कह रहे हैं कि आपने यंग फूड नहीं लेना आपने फास्ट फूड नहीं लेना सो आपको बेस्टी ना हो क्योंकि बेस्टी में लीड टू कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस ठीक है हम अपने छोटे बच्चों को ही ये हैबिट दिखा रहे होते हैं कि आपने शुगर इनटेक कम रखना है शुगर इनटेक को मिनिमाइज रखना है क्योंकि न्यू रिसर्चेज ये कह रही हैं कि जितना शुगर इनटेक ज्यादा होगा आपका ब्रेन जो है उसका साइज कम होता जाता है आपकी कोग्नेशन आपकी लर्निंग पावर जो है वो कम होती जाती है ठीक है तो हम बच्चों की ऐसी हैबिट्स डेवलप कर देना कि फ्यूचर में उनको डिजीज ना हो दैट इज कॉल्ड प्राइमोडियल या फिर एक एडल्ट ऐसा कि जिसको भी वो नहीं है ओबेस्टी नहीं है लेकिन हम उसे कह रहे हैं कि आपने ओबैसटी को अपना वेट कंट्रोल रखना है क्योंकि ओबेस्टी मे रेड टू कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस ठीक है तो अब इसमें अभी रिस इस फैक्टर नहीं है और उसमें जो हम प्रिवेंशन ले रहे हैं वो हम कहेंगे प्राइमोडियल और ये हम कैसे कहते हैं हेल्थ एजुकेशन से हेल्थ एजुकेशन हमारी इंडिविजुअल भी हो सकती है और मैस भी मास भी हो सकती है मीन्स कि एक ग्रुप की सूरत में एक कम्यूनिटी की सूरत में भी हम देते हैं और इंडिविजुअल लेवल पर भी देते हैं इसके बाद है प्राइमरी प्रिवेंशन प्राइमरी प्रिवेंशन बेसिकली वो होती है जिसमें फैक्टर है ठीक है सपोज के पेशेंट आपका ओबीस है सपोज के पेशेंट आपका स्मोकिंग करता है तो अब आप उसको बोलोगे कि आपके सपोज़ के जो है पेशेंट उसके घर में ट्यूबर क्लोसिस या कम्युनिकेबल डिजीज़ का पेशेंट है तो आप उस पर्सन को जो है अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो आ, मतलब एजुकेशन देते हो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के लिए दैट इज़ कोल्ड प्राइमरी प्रिवेंशन ठीक है वेट कम करें आप क्योंकि ये आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कर सकता है तो ये क्या है रिस्फेक्टेड है ओबेस्टी इसलिए हम उसको कम कर रहे हैं लेकिन अभी डिजीज़ हुई नहीं है स्मोकिंग पेशेंट का पर्सन कर रहा है अभी उसको कार्डिवास प्रॉब्लम नहीं हुई लंग का इश्यू नहीं हुआ लेकिन अभी हम उसको कह रहे हैं आप क्विट कर दें स्मोकिंग को बिकॉज इट मे लीड टू दिस एंड दिस ठीक है तो इसका क्या बताया हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ले रहे हैं इसी इसी तरह हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ जो करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव सेप्टिव के रिस्कैक्टर है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस का एक जो मेरिड पर्सन है तो हम क्या करते हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देते हैं एक तो फैमिली प्लानिंग के लिए और सेकेंड पे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं उनसे प्रिवेंशन के लिए इसके अलावा हम जो इम्यूनाइजेशन करते हैं वो भी हमारी प्राइमरी प्रिवेंशन होती है जैसे आजकल कोविड नाइन्टीन की इम्यूनाइजेशन हो रही है तो इम्यूनाइजेशन क्या है कि हमारा रिस्क फैक्टर हमारी पॉपुलेशन में प्रेजेंट है and we वॉन्ट prevention from that तो so, उसके लिए हम क्या यूज करें vaccination and vaccination is uh, uh, is in the category of primary prevention ठीक है ओके okay, जी नेक्स्ट हमारा है सेकेंडरी प्रिवेंशन आप ये दोनों क्लियर हो गए कि प्राइमोडियल अभी डिजीज नहीं हुई और उसमें फैक्टर भी नहीं है तो प्राइमोडियल lifestyle changes चेंजेस ठीक है प्राइमरी के रिस्क फैक्टर है लेकिन अभी डिजीज नहीं हुई है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रिवेंशन उसके बाद है सेकेंडरी प्रिवेंशन सेकेंडरी प्रिवेंशन ये है कि डिजीज़ हो गई है लेकिन हम डिजीज को अर्ली डायग्नोज करते हैं अर्ली डिटेक्ट करते हैं और अर्ली उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं इससे क्या होता है कि डिसेबिलिटी नहीं होती कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं ठीक है जैसे मेमोग्राफी अर्ली अगर कर ली गई है ठीक है अगर पैप्समियर अर्ली ले लिया गया है तो इसमें क्या है कि आपके अर्ली डायग्नोज हो गया और पेशेंट का ट्रीटमेंट हो गया है है? तो ट्रीटमेंट होने से ये है कि उसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो मिनिमाइज हो गई है कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई हैं तो इसका मतलब है कि हमने सेकेंडरी प्रिवेंशन किया है ठीक है अर्ली डायग्नोज किया है उसके बाद उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो गया है अभी मेमोग्राफी हुई है उसमें प्रॉब्लम आई है लम पैक्ट वगैरह हो गई पर्सन की लेकिन फुल फ्लैज उसका कैंसर जो वो डेवलप नहीं हुआ अभी ठीक है और पेशेंट को इस वजह से मेस्टेक्टमी या इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रिवेंशन ठीक है और टर्शी प्रिवेंशन में यह है कि आपके पर्सन को जो डिजीज़ है फुल फ्लैज हुई और उसके बाद कॉम्प्लिकेशनस भी हो गई हैं आपका पेशेंट मेमोग इस वाली स्टेज पे नहीं था मीन्स उसकी डायग्नोस्टिक अर्ली नहीं हुई है दैट्स वाई उसका जो कैंसर था या सी ए ब्रेस्ट फेरा था या सी ए सी सीप पेप, जो पेप्समर हम कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर गया हुआ है और वो मिलग्नेंसी हो गई हुई है तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पेशेंट की मेस्टेक्टमी करनी हो करनी होगी मैस्टेट हो गई है ठीक है तो अब क्या बॉडी बॉडी इमेज जो है पेशेंट का वो ख़राब हो गया इसके अलावा जो है मतलब अफेक्ट हो गया और इसके अलावा अगर कोई पर्सन है ऐसा कि डायबेटिक था और डायबेटिक के इस लेवल पे हमने उसको ना नहीं, अब उसकी कॉम्प्लिकेशन जो डिवेलप हो गई है उसकी एम्पोटेशन हो गई है तो अब ट्रस्टरी लेवल पे हमारा जो फोकस होता है वो ये होता है कि हमने जो पेशेंट की हैंडी कैप होने से पेशेंट की डिसेबिलिटी को मिनिमाइज करना है मींस कि उसको हैंडी कैप ना हो दूसरों पे डिपेंडेंट ना हो और री करना है अब यही पेशेंट जो डायबिटिक था जिसका फुट जो है अगर उसको एम्पोटेशन हुई है हमने अर्ली जो है उसको अच्छी तरह उसको ट्रीट नहीं किया गया या उसकी कंप्लें पुअर थी अब पेशेंट का जो है एम्पोटेशन हो गई है तो एम्पोटेशन के बाद हमने पेशेंट को नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आना है अब एम्पोटेशन के बाद सपोज के पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है और उस पेशेंट की बिलो नी जो एम्पोटेशन हो गई है तो अब ये कि पेशेंट को हमने नॉर्मल लाइफ की तरफ उसका सेल्फ स्टीम जो है उसको मेंटेन रखना है तो उसके लिए हम प्रोस्थीसिस जो है आर्टिफिशियल जो उसकी लेग होती है आर्टिफिशियल फुट जो है वो लगाएंगे या फिर मेस्टेक्टिन वाला पेशेंट जो है उसकी आर्टिफिशियल जो है उसकी मतलब जो है ब्रेस्ट फेरा तो इसका है कि हम और साइकोलॉजिकल स्पोर्ट जो डिप्रे, डिप्रेशन के पेशेंट हैं वोकेशनल जो ट्रेनिंग्स हैं वो ये है कि ऐसा पर्सन जो कि पहले तो मतलब अपनी जॉब एक कर रहा था लेकिन अब क्या है कि वो डिपेंडेंट हम उसको नहीं होने देना दैट्स वाई हमने उसके लिए ये ऐसी जॉब का अरेंज करना है जो उसकी आ, जो आ, मतलब हेल्थ स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग टू मीन्स के ज़्यादा एग्जॉस्टिंग ना हो ज़्यादा हेक्टिक ना हो तो उसको हमने उसके लिए अरेंज करना है ताकि वो पर्सन जो है एक तो डिप्रेशन उसे ना हो दूसरा वो दूसरों पे डिपेंड ना करे ठीक है तो इस वजह से हम उसको एक नॉर्मल लिविंग के लिए उसकी हेल्प करेंगे उसको री करेंगे उसका बॉडी इमेज जो है उसको मेनटेन रखेंगे तो उसके बाद अगर वो पेशेंट एम्पोटेशन हुई है तो उसके बाद उसको वॉकिंग उसकी कैसे होगी उसका वॉकर उसकी एवरी थिंग जो उसके लिए हम पेशेंट को जो है वो हम वो मतलब उसकी ट्रेनिंग करेंगे ठीक है ताकि वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाए अब हम आई थिंक सो के थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी होगी लेकिन अब हम इसको दोबारा एक बार इजी वर्ड्स में और देख लेते हैं तो प्राइमोडल हमने क्या बोला कि लाइफ स्टाइल लाइफ स्टाइल हम चेंजेस करेंगे और उसमें क्या होगा कि हमने स्टार्टिंग में अपनी हैबिट्स ही ऐसी रखनी है कि यहाँ हमारे पास रिस्क फैक्टर नहीं है इन द दबसेंस ऑफ रिस्क फैक्टर ठीक है लेकिन हम अपना लाइफ स्टाइल अपनी हैबिट्स ऐसी कर रहे हैं ताकि फर्दर हमें डिजीज़ ना हो ठीक है लेकिन ये ऑन द होल है मीन्स को जनरल है जनरल ठीक है स्पेसिफिक नहीं है हम अपनी आ, हेल्दी डाइट ले रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं हम स्मोकिंग नहीं कर रहे ये सारी चीज़ें ठीक है और उसके बाद प्राइमरी जो है इसमें इसलिए ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है ठीक है ओबेस्टी है तो हम उसको मिनिमाइज करेंगे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस ना हो इम्यूनाइजेशन है तो वो भी स्पेसिफिक है कोविड की ले रहे हैं तो कोविड के खिलाफ ले रहे हैं अगर हम होपिंग कफ की ले रहे हैं तो इन्फ्लुएंजा की ले रहे हैं तो उसके लिए ले रहे हैं तो इम्यूनाइजेशन जो है वो भी स्पेसिफिक तो ये क्या है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है प्राइमरी इसमें क्या है हमारा रिस्पैक्ट प्रेजेंट है सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या है डिजीज़ हो गई है हम इसमें ये कर रहे हैं कि हम अर्ली डायग्नोस करें अर्ली डिटेक्शन अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए ताकि पेशेंट जो है उसकी कॉम्प्लीकेशन ना हो उसकी डिसेबिलटी ना हो और नर्शरी में फिर क्या करेंगे कि मिनिमाइज़ करनी है हमने डिसेबिलिटी को कैसे जो पेशेंट जिसका कैंसर था जिसमें स्टेक्मी वगैरह हो गई है तो उसको रीहैप करेंगे कीमोथेरापीस रेडिएशन और सर्जरी वगैरह के थ्रू ठीक है तो इस तरीके से हम इसको करेंगे अब ये है कि प्राइम इसमें नहीं है जो हम विदाउट रिस्क फैक्टर जो है वो हम पेशेंट के लाइफ स्टाइल चेंजेस हैबिट चेंज कर रहे हैं पर्सन की एजुकेशन के थ्रू ठीक है और उसके बाद कौन हेल्थ uh, प्रोमोशन करेंगे प्रोटेक्शन करेंगे किस में प्राइमरी uh, प्रिवेंशन में हेल्थ प्रमोशन और प्रोटेक्शन ठीक है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है सेकेंडरी में हम करेंगे अर्ली डायग्नोस और डिसेबिलिटी से लिमिट लिमिटेशन करेंगे और रिस्टोर करेंगे उसकी सारी एक्टिविटीज को जॉब फैरा उसकी वॉक उसकी ईच एंड एवरीथिंग ठीक है तो इस तरीके से आपको ये बात क्लियर होगी होगी कि हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन और प्राइमोडियल क्या है और उसके बाद सबसे अच्छा ये है कि हमारी प्राइमोडियल जो हम उस पर फोकस करें और उसके बाद ये है कि हम प्रिवेंशन जो हमारी प्राइमोडियल के बाद प्राइमरी है उस पर करें और उसके बाद अर्ली डिटेक्शन जो है वो हमारी होनी चाहिए डिजीज़ की टर्शरी में और फोर्थ में ये कि हम डिपेंडेंट ना हो हैंडी ना हो हमारा फोकस वो होगा ठीक है ओके okay जी व्यूवर्स थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन आई होप कि आपको लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग होगी होगी तो प्लीज़ uh, मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद अगर आपको लेक्चर जो है वो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर